विद्यार्थियों नमस्कार। सनराइज एकेडमी से मैं विजय कुमार हिंदी विषय लेके आया हूँ। जैसा कि पूर्व में भी बताया जा चुका है आप लोगों को, हमारे यहाँ सीटेट, सुपर टेट, टेट, एमपी टेट, यूपीएससी, लेखपाल आदि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्थित तैयारी करवाई जाती है। अतः अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, जो व्यक्ति दिल्ली, इलाहाबाद, बड़े बड़े शहरों में नहीं जा पाते कोचिंग करने, वो विद्यार्थी, वो लोकल के विद्यार्थी यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं, व्यवस्थित तैयारी कर सकते हैं। हमारे यहाँ सारे शिक्षक वेल एजुकेटेड हैं, तो निश्चित रूप से आइए और एक लगन, एक जुनून बनाइए अपने अंदर कंपटीशन का। और हमारा ये जिला चित्रकूट जिला कंपटीशन के क्षेत्र में अत्यंत पिछड़ा हुआ जिला है। अगर हम चाह लें तो इसी को हम दिल्ली बना सकते हैं, हम चाह लें तो इसी को हम इलाहाबाद बना सकते हैं तैयारी के मामले में, कंपटीशन के मामले में। तो विद्यार्थियों आगे बढ़िए, आगे प्रसिद्धि उपलब्धि आपका इंतजार कर रही है। चलिए मैं आज हिंदी में आपको लेके आता हूँ। कल मैंने आप लोगों को चार्ट बना करके व्यवस्थित बताया था स्वरों के भेद, स्वरों के प्रकार, कि कौन कौन से वर्तुल हैं, कौन से अपर्तुल हैं, कौन से समृत हैं, कौन से अर्धसमृत हैं और कौन से अग्र स्वर हैं, कौन पश्च स्वर हैं, कौन मध्य स्वर हैं। ये मैंने व्यवस्थित आप लोगों को कल बताया था। जिन विद्यार्थियों को समझ में ना आया हो वो हमारे चैनल में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। चलिए मैं आगे अब बढ़ता हूँ। स्वरों में इतना ही था, अब आगे चलते हैं हम व्यंजन चलते हैं। व्यंजन विषय हिंदी, ये देखिए विद्यार्थियों आज हम व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन कल हम स्वर के सभी भेद हो गए। पुनः मैं आपको रिपीट करता हूँ कि स्वरों की संख्या कहीं भी आ जाए तो आप 11 स्वर ही करके आएंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। ना 13 होते, ना 14 होते, ना 12 होते, ना 10 होते, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है, केवल 11। ये विशेष रूप से ध्यान देंगे। बहुत सारे लोग, बहुत सारे कोचिंगों में अलग अलग पढ़ाया जाता है, कहीं 13 पढ़ाया, कहीं 12 पढ़ाया, कहीं कुछ पढ़ाया, तो ऑथेंटिकता जो प्रमाणिकता जो वहाँ पर माना जाएगा कंपटीशन में, किसी कंपटीशन में आयोग में माना जाएगा, वो आपको स्वरों की संख्या 11 ही मानी जाएगी। इसलिए विशेष ध्यान देंगे इस बात पर। चलिए अब आते हैं हम व्यंजनों में। व्यंजनों का हम वर्गीकरण करते हैं। चलिए व्यंजनों कैसे जो है, कौन कौन से व्यंजन है। सबसे पहले हम आते हैं व्यंजनों में स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन कौन कौन स्पर्शी व्यंजन हैं, चलिए ये का, चा, टा, ता एवं पा वर्ग, पा वर्ग, और ये सभी हो जाते हैं आपके 25। चलिए कैसे, ये क्या है, का, चा, टा, ता, पा, ये क्या है, वर्ग क्या है। चलिए का वर्ग का मतलब है का, खा, गा, घा, अंगा, कितने हुए, 5 हुए। चा, छा, जा, झा, इया, ये 5 वर्ण हुए। टा, ठा, डा, ढा, आड़ा, तह, ना, पह, मा, इस तरह से 5, 25, ये 25 स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। ये आपके स्पर्शी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग एवं पा वर्ग, मैंने सभी नहीं लिखा है, इतने से काम चला दिया है, आप लोग सब जानते हैं।
चलिए स्पर्शी व्यंजन के बाद हम आते हैं अब अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन हैं आपके या, रा, ला, वा। ये अंतस्थ व्यंजन हैं, इनकी संख्या है चार। चलिए इसके पहले मैं आपको बता दूं, अच्छा ये स्पर्शी क्यों है। स्पर्शी ये व्यंजन इसलिए हैं क्योंकि इनका उच्चारण करने पर हमारा मुख कहीं ना कहीं स्पर्श करता है, तब ये अक्षर निकलते हैं या इनका उच्चारण होता है। जैसे का उच्चारण स्थान कंठ है, अकुह विसर्जिया नाम कंठा, तो का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। कंठ में जब ये टच करते हैं, कंठ में जब स्पर्श होता है, तब जाकर के ये का वर्ग का उच्चारण होता है। चा छा टा ठा, ये मुख में कहीं ना कहीं हमारी जीवा, ओंठ और दांत कहीं ना कहीं स्पर्श करते हैं, तब जाके इनका उच्चारण संभव है, जिस कारण से इनको स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इसलिए स्पर्शी व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन इनको क्यों कहा जाता है? या रा ला वा, इनको अंतस्थ, अंतः माने होता है हृदय और स्थ माने स्थित। हृदय में स्थित व्यंजन अर्थात ये व्यंजन का उच्चारण जब करते हैं या रा ला वा का, तो हमारे हृदय पर जोर पड़ता है और हृदय से आवाज आती है। जैसे कही या, अंदर तक गूंजता है, हृदय तक गूंजता है या रा ला वा, इसलिए अंतस्थ है। इसका नाम है अंतः धन स्थ। अंत है माने होता है हृदय और स्थ माने स्थित, हृदय में स्थित व्यंजन, तो या रा ला वा। चलिए इनकी संख्या है चार। इसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन ये कितने हैं? ये आपके सा 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 और हा, इनकी भी संख्या आपकी है ये चार हो गई। सा 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 और हा, ये ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन इनको इसलिए कहा जाता है, ऊष्म माने होता है गर्म या गर्मी, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में गर्म हवा निकले, गर्म वायु निकले, उनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे सा का उच्चारण करिए, सा सा, आगे हाथ लगाएंगे तो आपको गर्म हवा निकलती हुई प्रतीत होगी, सा 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 हा, तो गर्म हवा निकलने के कारण इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या चार होती है, ये चार है। इस तरह से चार चार आठ आठ पांच तेरह, ये अब बन जाते हैं आपके मूल व्यंजन। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? मूल व्यंजनों की संख्या 33 है, 33। ये मूल व्यंजन है, मूल व्यंजन। कभी भी प्रश्न आ जाए मूल व्यंजन कितने हैं, तो आपको बताना है कि मूल व्यंजन 33 होते हैं, 33 होते हैं मूल व्यंजन। मूलतः व्यंजन कितने प्रकार के होते, कितने हैं? 33। 25 आपके स्पर्शी व्यंजन और 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन। ये इस तरह से इनकी संख्या 33। कभी भी प्रश्न आ जाए कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, मूलतः व्यंजनों की संख्या या मूल रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 33 आपको बताना है। ये इस 33 हो गए। अब इसके बाद आ जाते हैं हम संयुक्त व्यंजन। चलिए संयुक्त, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से? आपके छा त्रा ज्ञा और स्रा, ये इस तरह से इनकी संख्या हो जाती है कुल चार। ये चार जो है संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन से तात्पर्य ये है कि ये व्यंजन ये दो
व्यंजनों के संयुक्तिकरण से या मिलने से इनका निर्माण हुआ है। जैसे इसका है का और मूर्धन्य सा मिलने से छा बनता है, ता और ला मिलने से त्रा बनता है, और जा और इया मिलने से ज्ञा बनता है, स्रा ये जो है तालब्य सा और ला मिलने से ये स्रा बनता है। तो इस तरह से इनका संयुक्तिकरण मैं अभी बाद में आपको इसके बाद बताऊंगा कि आखिर इनका संयुक्तिकरण किन से हुआ है। ठीक, चलिए संयुक्त व्यंजन ये चार। अच्छा, मूल व्यंजनों में इनकी गणना क्यों नहीं हुई? ये मूल व्यंजनों में इनकी गणना इसलिए नहीं हुई क्योंकि इन व्यंजन, ये जितने व्यंजन हम 33 गिन चुके हैं, इन्हीं व्यंजनों से इनका निर्माण होता है। तो जब इनको पहले हम गिन चुके हैं तो बाद में फिर इनको दोबारा नहीं गिनेंगे, दोबारा काउंट नहीं करेंगे। चलिए, जिसका है संयुक्त व्यंजन, ये आपके चार हो गए। अब संयुक्त व्यंजन के बाद आता है उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त इसी को कहते हैं, द्विगुण भी कहते हैं, द्विगुण। चलिए द्विगुण क्यों कहते हैं मैं आप लोगों को व्यवस्थित बताता हूँ। द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं इनको। कौन कौन से हैं? डा, ये डा और ढा, ये नीचे इनमें बिंदी लगी है, ये उत्क्षिप्त और द्विगुण। बंधुओं, इनका प्राविधान हिंदी में फारसी के प्रभाव से इनका जो है प्राविधान किया गया है। तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन आखिर क्यों कहलाते हैं, इनको उत्क्षिप्त क्यों कहा जाता है, मैं एक एक करके शब्द वैन्यासिक व्याख्या करता हूँ आपसे। उत्क्षिप्त, उत माने ऊपर की ओर, क्षिप्त माने फेंके गए, अर्थात जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने पर हमारी जीवा उत माने ऊपर झटके के साथ फेंकी जाती है, ऐसे व्यंजन डा और ढा हैं, इसलिए इनको उत्क्षिप्त कहते हैं। इनके उच्चारण में हमारी जीवा ऊपर की ओर झटके के साथ फेंकी जाती है, जिसका इनको उत्क्षिप्त कहते हैं। द्विगुण क्यों कहते हैं? द्विगुण इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में हमारी जीवा द्विगुण जाती है, मुड़ जाती है। जरा उच्चारण करके देखेंगे विद्यार्थियों, उत्क्षिप्त को जैसे आप सड़क कहिए, ये सड़क, 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 आप देखते होंगे सड़क, जो ही सड़क कहते हैं अड़ा में जाते हैं तो आपकी जीवा तालु भाग में ऊपर झटके के साथ जाती है और फिर नीचे गिर जाती है। यानी ये आपकी जीवा ऐसे है और ये गई और फिर पुनः जो है उसी स्थिति में आ जाती है, इस कारण से ये उत्क्षिप्त है। द्विगुण, जीवा ये यहाँ से, ये यहाँ से मुड़ गई, द्विगुण गई, इसलिए इनको द्विगुण कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं। तो इस तरह से ये द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन, ये व्यंजन अक्सर मध्य में आते हैं या अंत में आते हैं, ये कभी प्रारंभ में नहीं आते हैं। ये ध्यान रखना विद्यार्थियों कि ये व्यंजन हमेशा किसी शब्द के मध्य में आएंगे या तो फिर अंत में आएंगे, प्रारंभ में नहीं आएंगे, प्रारंभ इनसे नहीं होता है। हम चलते हैं आगे, उत्क्षिप्त के बाद हम आ जाते हैं अयोगवाह। चलिए, व्यंजनों में ये हो गया, व्यंजनों में 5, 4, 9, 9, 4, 13, 13, 4, 17, 18, 19 यानी 39 ये आपके हो गए। अब इसके बाद जो है अयोगवाह, अयोगवाह मैं आपको स्वरों में के बाद बता चुका हूं, अयोगवाह बहुत अच्छी तरह बताया हूं, पुनः फिर से देख लेंगे। अयोगवाह अंक और आहा, ये अयोगवाह है। चलिए, अयोगवाह इनको क्यों कहा जाता है, ये बहुत परीक्षाओं में आते हैं। दे देगा कि इनमें से अयोगवाह कौन है, या कह देगा अंक जो है ये क्या कहलाता है, आहा क्या कहलाता है, या क्या कहते हैं इसको, तो ये अयोगवाह है। अयोगवाह क्यों कहा जाता है, इसमें नई तत्पुरुष समास है अयोगवाह, ये इतने शब्दों से मिलकर बना है। ध्यान देंगे विद्यार्थियों, आ धन योग धन वाह,
तीनों का अर्थ देखिए, आ माने नहीं, नहीं है, योग जिसका योग ना तो स्वर में है और ना ही व्यंजन में, जिसका योग ना तो स्वर में है और ना व्यंजन में है, फिर भी वाह वाह माने हम वहन करते हैं या ढोते हैं, ढोना होता है, ढोना या वहन करना, वहन करना, वहन करना या ले जाना या बहा कर ले जाना, ये होता है। माने ऐसे वर्ण जिनका योग ना तो स्वर में है और ना ही व्यंजन में है, फिर भी हम वहन करते हैं, अर्थात हम 52 अक्षरी हिंदी में, 52 अक्षरी हिंदी में उसका प्रयोग करते हैं, ये अयोग वाह है। अयोग वाह के शाब्दिक मैंने परिभाषा बता दी, जिसका योग ना तो, अर्थात जो ना स्वर है और ना ही व्यंजन है, अर्थात क्या हुआ, ना तो स्वर है ना व्यंजन है, फिर भी हम उसको वहन करते हैं, अर्थात उसको अपनी भाषा में प्रयोग में लाते हैं, ये अयोगवाह है, इसलिए ये अयोगवाह। तो अयोगवाह हो गए, ये इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या हो गई 2। चलिए ये 2 हो गई, अब इनको आप कैलकुलेट करिए, जोड़िए 5, 4, 9, 9, 4, 13, 13, 4, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 21 की 1 और 2 1, 2 2 4, ये आपके 41 हो गए, अयोगवाह को लेकर 41 वर्ण हुए। अब इसके बाद 11 हमारे स्वर, स्वर कितने हैं, स्वरों की संख्या ये बराबर हैं आपके 11 हैं, इनकी संख्या 11, योग कितना हुआ, योग आपका 1, 1, 2, 4, 1, 5, ये इस तरह से 52 हमारे हिंदी या देवनागरी लिपि में या हमारी हिंदी भाषा में कितने अक्षर हैं, 52 अक्षर हैं, हमारी हिंदी 52 अक्षरी है, 52 अक्षरी हिंदी में, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या बराबर 52, ये इस तरह से 52 होती है। बंधुओं ये मैंने व्यवस्थित आप लोगों को ये बताया, इसको निश्चित रूप से पढ़ेंगे, इनमें से एक दो क्वेश्चन इन परीक्षाओं में बन ही जाते हैं। ये अयोगवा बहुत पूछता है, ये अंतस्थ को बहुत पूछ लेता है परीक्षाओं में, ये उस व्यंजनों में से बहुत पूछता है, वो थोड़ा सा हट करके कुछ पूछता है, ये इनको इनको पूछ लेता है, उत्क्षिप्त या द्विगुण जो थोड़ा सा कठिन होता है वो फंसाना चाहता है, आपको भ्रमित करना चाहता है, वो ऐसे ही प्रश्नों को पूछ लेता है। तो इस तरह से जो है ये आपकी जो है ये व्यंजन रहे। अब चलिए व्यंजनों में किसको क्या कहा जाता है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। हाँ विद्यार्थियों, ये नीचे जो है आपके कैमरे में टेक्निकल फॉल्ट के कारण नहीं आया है, मैं इसको आपको ऊपर बताए देता हूँ। 41 प्लस 11 स्वर, ये स्वर हैं, 11 क्या है, ये स्वर हैं, और ये क्या है, ये व्यंजन और अयोगवाह, व्यंजन प्लस अयोगवाह, व्यंजन अयोगवाह, इनको आप मिला करके 1, 1, 2 और 4, 1, 5, ये इस तरह से 52 हिंदी हमारी 52 अक्षरी है, ये 52 कुल, कहीं प्रश्न आ जाए कि हिंदी में कुल कितने प्रकार के अक्षरों का प्रयोग होता है, तो 52 प्रकार के अक्षरों का प्रयोग होता है, हमारी हिंदी 52 अक्षरी है, 52 है, ये ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से इसमें बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। चलिए अब मैं ये संयुक्त व्यंजन आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, संयुक्तिकरण आखिर इनका किन किन व्यंजनों से हुआ है, देखते हैं आगे। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन बहुत परीक्षाओं में आए हैं, जरा इनको देखेंगे। संयुक्त व्यंजन, व्यंजनों की संख्या कुल 4 है, चलिए मैं क्रम से लिखता हूं,
चलिए, ये छा का प्रयोग या छा का संयुक्तिकरण किन किन वर्णों से हुआ है? तो चलिए मैं बताता हूँ, का और प्लस मूर्धन्य सा, इसके योग से ये छा का निर्माण होता है। कहीं आपको डाउट हो, वहाँ पर ऑप्शन बहुत सारे आएंगे, ऑप्शन आएगा, ऑप्शन में आएगा, जैसे का कर दिया, उसने का धन सा कर दिया, का धन सा धन, का धन सा कर दिया, का धन सा। अब इतने प्रकार के जब आ जाएंगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो विशेष रूप से ये कब काम आएगा, आप अधिक से अधिक जब पढ़ेंगे तभी ये काम आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप अधिक से अधिक उसको देखेंगे, समझेंगे, मेरी बात समझेंगे, मेरा वीडियो समझेंगे तो समझ में आएगा। तो आपका सही कौन सा है? ये वाला ऑप्शन। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अच्छा चलिए, इसके लिए जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपका गलत हो रहा है तो क्या करेंगे? चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ इंग्लिश में। इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में छा की अंग्रेजी होती है के एस एच होती है, के एस एच होती है। अब इसमें देखिए, के एस एच अगर पूरा का होता तो यहाँ पर ए होता, अगर पूरा का होता तो यहाँ ए होता, इसका मतलब का आधा है और एस एच आपका पूरा है, ये के एस एच ए होती है, किसकी? छत्री की। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि का आधा है और छा सा आपका पूरा है। ये लीजिए का और ये सा मिलकर के ये बना है, सा की मूर्धन्य सा की अंग्रेजी होती है, यस यस होती है। तो इस तरह से ये आपका जो है छा, इस तरह से आपका क्लियर हो सकता है। ठीक, अब आगे चलते हैं, ये समझ में आ गया है आशा करता हूँ, आ गया होगा। छा के बाद आता है दूसरे नंबर में त्रा, छा के बाद त्रा। चलिए, तार त्रा में ता धन रा, इसमें ता पूरा होता है, रा आधा होता है। चलिए कैसे हम अंग्रेजी में, अंग्रेजी में इसको देखते हैं। अंग्रेजी में होता है टी आर ए, टी आर ए होता है। अब यदि ता पूरा होता तो टी ए आर ए होता। तो ये जो है, चूंकि ये आधा ता है, आधा ता यहाँ से पुष्ट होता है कि टी आर ए, इसका मतलब ता आधा है, रा पूरा है, इसका मतलब ये हुआ टी, ता हुआ हलंत वाला, और ये रा पूरा हुआ, तभी तो टी आर ए हुआ। तो इस तरह से अंग्रेजी से आप बिल्कुल श्योर हो सकते हैं, आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। फिर छात्रा ज्ञान, इसके बाद ज्ञा की अंग्रेजी, ज्ञा। चलिए, ज्ञा का जो है संयुक्तिकरण किससे किससे हुआ है, ये आपका धन व इया। ये ज्ञा, ज्ञा की अंग्रेजी क्या होती है? ज्ञा की अंग्रेजी विद्यार्थियों, अब देखते हैं ज्ञा का, ज्ञा का आधा जा और इया से मिलकर बना है, इसको ज्ञा। कभी आपने देखा होगा भागवत के कथावाचक कुछ लोग जो है वो ज्ञा पढ़ा करते हैं, ज्ञान पढ़ते हैं। जैसे बाबा रामदेव हमेशा जो है वो ज्ञान नहीं कहते, ज्ञान कहते हैं, वो शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं ज्ञान, चूंकि आधा जा और इया से मिलकर बना है, वो ज्ञान नहीं कहते, ज्ञान कहते हैं। कभी आपने सुनना, सुनने पर आपको पता चल जाएगा। तो बंधु ये जो है ज्ञा है, और अंग्रेजी में इसका थोड़ा सा जो है आपको समझना पड़ेगा। कैसे? अंग्रेजी में वैसे तो होना चाहिए जे और वाई होना, जे और यन होना चाहिए, लेकिन नहीं, हम जैसे उच्चारण के आधार पर अंग्रेजी इसकी बन जाती है। ज्ञा पढ़ते हैं हम, ज्ञा ज्ञा जब पढ़ेंगे तो आधा गा या आता है ज्ञा और ऊपर बिंदी, तो जी इसमें होता है जी जी वाई ए, इस तरह से होता है ज्ञा की अंग्रेजी जी वाई ए होता है।
तो अंग्रेजी में इसको समझना पड़ेगा, इसको तैयार करना पड़ेगा। ध्यान रखिए अंग्रेजी में इसमें नहीं बिल्कुल पूरा मैच होता है। अब चलते हैं हम ज्ञा के बाद चौथा जो संयुक्त अक्षर है वो आपका है क्या, स्रा। स्रा, स्रा को देखेंगे, स्रा में तालव्य सा आधा होता है और रा आपका पूरा होता है। अंग्रेजी में इसका फिट बिल्कुल वैज्ञानिकीकरण है, जरा देखिए, यस यच से आपका सा होता है, तालव्य सा होता है, अगर ए लगा देंगे तो पूरा सा हो जाएगा, और आर ए, यस एच आर ए, ये इस तरह से अंग्रेजी में। अब जैसे अंग्रेजी इसकी जब आप कंफ्यूज हो रहे हैं, कन्फ्यूजी आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप अंग्रेजी में स्रा की क्या होती है, यस एच आर ए होती है, यस एच दिया है, ए नहीं है, इसका मतलब है कि ये तालव्य सा आधा है और रा आपका पूरा है। ये संयुक्त व्यंजन हो गए आपके, संयुक्त, ये संयुक्त व्यंजन, ये संयुक्त व्यंजन आपको मैंने ये बताया, इनका संयुक्तिकरण इस तरह से हुआ। अब बंधुओं आगे बढ़ते हैं, आगे हम इनको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, ये इनका संयुक्तिकरण मिला बनता है। बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जैसे आ जाए कि ज्ञा का संयुक्तिकरण किन किन अक्षर से हुआ, चार ऑप्शन होंगे, उसमें निश्चित रूप से आप थोड़ा सा भ्रमित होंगे, लेकिन अगर आपका अच्छी तरह से पढ़ा लिखा है तो आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, आपको आ जाएगा, बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। हाँ, हम चलते हैं अब व्यंजनों के अन्य नाम, व्यंजन किनको क्या कहते हैं, व्यंजनों के व्यंजनों के अन्य नाम, किन अन्य नामों से जाना जाता है, ये कंपटीशन में बहुत आता है, ये किस नाम से जाना जाता है। चलिए नंबर एक में हम आ जाते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं, आगे चलते हैं हम, व्यंजनों के अन्य किन नामों से जाना जाता है, हम देखते हैं व्यंजनों के अन्य नाम। सबसे पहले हम आ जाते हैं अर्धस्वर, चलिए अर्धस्वर, ये बहुत बार परीक्षाओं में आया है अर्धस्वर, निम्न में से अर्धस्वर कौन सा वर्ण है, तो अर्धस्वर या और वा दो अक्षर हैं जो अर्धस्वर कहलाते हैं। चलिए अर्धस्वर इनको क्यों कहते हैं, मैं आपको बताता हूं कि अर्धस्वर क्यों कहा जाता है। अर्ध स्वर माने स्वर है जो आधा स्वर है और आधा व्यंजन है, कैसे आधा स्वर आएगा, कैसे आधा स्वर है। चलिए मैं आपको, जब हम वाक्य लिखते हैं, वाक्य बोलते हैं, तो हम इनका स्वर की तरह उपयोग में लाते हैं, जरा ध्यान देंगे। जैसे गई, गई, गई आया, देखिए गई वास्तव में रियलिटी तो ये है, ये सही है आपका गई, तो ये आपका स्वर हुआ, लेकिन हम इस या को स्वर की तरह उपयोग में लाए, गया आ, गया हम कहते हैं, गया, गया कह देते हैं, तो आ, आ जैसे उच्चारण माने आ क्या है, स्वर है, स्वर जैसे उसका उच्चारण करते हैं। जैसे आप लिखते हैं कौवा, कौवा, अब कौवा हम ऐसे भी लिख देते हैं, कौवा, कौवा, आ जैसे उसका उच्चारण हो रहा है, आ क्या है, स्वर है, कौवा, अशुद्ध ये आपका ये है कौवा, तो इसका स्वर जैसे इसका उच्चारण होता है, इस कारण से इनको जो है अर्धस्वर कहा जाता है, अर्धस्वर की संज्ञा में रखा गया है, ये अर्धस्वर है, अच्छी तरह से आप समझ लीजिएगा इनको। ये अर्धस्वर बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछता है कि निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है, तो अर्धस्वर कौन सा है वो मैं आपको बताता हूँ, ये या वा है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं पार्श्विक, दूसरे पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन,
पार्श्विक व्यंजन या पार्श्विक, पार्श्विक वर्ण। चलिए पार्श्विक कौन सा है? पार्श्विक में आपका ला आता है। चलिए ला, ला को पार्श्विक क्यों कहा जाता है? पार्श्व माने क्या होता है? चलिए मैं आपको व्यवस्थित बताता हूं। पार्श्व माने होता है पास, सन्निकट। अर्थात जब ला का हम उच्चारण करते हैं तो हमारे जीवा के पास दोनों तरफ से हवा सुरसुराती हुई निकल जाती है, इसलिए इसको पार्श्विक कहा जाता है। पार्श्विक व्यंजन ला, ला वर्ण पार्श्विक है। क्यों ला है? ला का उच्चारण करिए, ला ला ला। जब करते हैं तो आपकी जीवा के बगल से, पास के जीवा के अगल बगल पास से हवा सुरसुराती हुई धीरे से निकल जाती है इसके उच्चारण में, जिस कारण से इसको पार्श्विक कहा जाता है। अब चलिए हम आते हैं लुंठित व्यंजन। लुंठित, लुंठित व्यंजन या लुंठित वर्ण ऐसे कर दें, या व्यंजन कुछ भी, व्यंजन तो है ही है, वर्ण लुंठित वर्ण। लुंठित वर्ण आपका है रा, रा। रा को लुंठित क्यों कहा जाता है? चलिए बताता हूं। लुंठ माने होता है लोढ़ा या पत्थर, या पत्थर क्या होता है? लुढ़कता है, रोल्ड होता है। पत्थर को आप जो है लुढ़काएंगे, गांव देहातों में वैसे बोलते हैं लोग, लोढ़ा मार दिया उसने, लोढ़ा अर्थात पत्थर मार दिया। तो लुंठ मतलब होता है लुढ़कना, अर्थात ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण करने पर हमारी जीवा लुढ़क जाए, पत्थर जैसे लुढ़क जाए, तो हम इसको लुंठित वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? लुंठित वर्ण कहेंगे। इसको लुंठित वर्ण कहते हैं क्योंकि ये लोढ़े यानी पत्थर जैसे लुढ़कता है, इसलिए लुंठित वर्ण कहा जाता है। जरा उच्चारण करिए, जैसे रा रा रा, उच्चारण करिए। आपकी जीवा जो है तालु भाग से लुढ़कती है, रोल्ड होती है, इसलिए इसको लुंठित कहते हैं। इसको प्रकंपित वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकंपित, यहाँ पे लिख लेंगे, प्रकंपित वर्ण भी कहते हैं। प्रकंपित, प्रकंपित वर्ण ये भी नाम है। आ सकता है कि प्रकंपित वर्ण कौन सा है? तो यही आपका राही है, ये प्रकंपित वर्ण भी है। क्यों प्रकंपित? प्रा माने विशेष रूप से, कंपित माने जीवा हमारी कांपने लगती है। इसके उच्चारण करने पर हमारी जीवा कंपन उत्पन्न होता है, वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, जिस कारण से इसको प्रकंपित वर्ण भी कहते हैं। जरा उच्चारण करिए, रा रा, हमारी जीवा कांपने लगती है, उसमें वाइब्रेशन उत्पन्न होने लगता है इसके उच्चारण में, इसलिए इसको प्रकंपित भी कहते हैं। हमारी जीवा लुढ़कती है, इसलिए इसको लुंठित भी कहते हैं। ये इस तरह से ये कुछ वर्णों के जो अन्य नामों से भी हम जानते हैं। चले अब जो है काकल्य वर्ण कौन सा होता है? काकल्य वर्ण, काकल चौथा है, काकल्य, काकल्य वर्ण या स्वर तंत्र मुखी, इसको जो है स्वर तंत्र मुखी किसको? काकल ए हा को। चलिए हा को काकल्य वर्ण या स्वरतंत्र मुखी क्यों कहते हैं? काकल्य का तात्पर्य है इसका उच्चारण काके उच्चारण वर्ण से, का जैसे होता है, इसलिए इसको काकल्य कहते। ऐसे हा का हा का, तो इसलिए काकल्य। स्वरतंत्र मुखी क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे जो स्वर है वो कंठ है, कंठ से सारे स्वर निकलते हैं, तो स्वरतंत्र मुखी अर्थात जहां स्वरों का निर्माण होता है वहीं से इसका भी निर्माण होता है हा का, इसलिए स्वरतंत्र मुखी वर्ण भी कहलाता है। तो ये इस तरह से काकल्य वर्ण या स्वरतंत्र मुखी वर्ण कहलाता है। बंधुओं अभी और बहुत सारे नाम हैं, समय ज़्यादा हो गया है, चलिए मैं यहीं से समाप्त करता हूँ। कल पुनः इसके आगे का वीडियो लेकर आऊँगा।
तब तक आप सभी को नमस्कार।